फ्लाइट से हम पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो बैग फंस गया। तो उन्होंने मुझे, मतलब ऑफिसर ने कहा कि आप सीजर निकाल लो अपने बैग में से। आई वॉज लाइक यार मैंने सीजर तो लाई ही नहीं है। 500 की स्पीड तो पक्का होगी। मैंने विंडो सीट बुक की थी। मेरे कान बंद हो गए। गुड मॉर्निंग और आप सभी का स्वागत है हमारे आज के व्लॉग में। तो आज हम कर रहे हैं ट्रैवल। अब वो हम कहाँ करने वाले हैं वो आप लोगों को हमारे ऑब्वियसली आने वाले व्लॉग में पता चल जाएगा, लेकिन अभी बज रहे हैं 1:30। हमें 2:30 बजे घर से निकलना है। हमारी फ्लाइट जो है वैसे वो 7:15, मतलब 7 बजे के आसपास की है, लेकिन मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है कि कितना टाइम लग जाएगा वहाँ पे चेक इन वगैरह करने के लिए। एंड ऑल्सो एक और चीज़, फ्लाइट से हम पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब ये फ्लाइट का जो एक्सपीरियंस है ना मेरा, ये पता नहीं कैसे होने वाला है। तो इसलिए मैंने सोचा कि हम मुंबई एयरपोर्ट से जाने वाले हैं, तो वहाँ पर थोड़ी सी भीड़ भी होगी, इसलिए हमें वहाँ पर जल्दी जाना होगा। अगर मैं यहाँ से 2:30 बजे निकलूँगी तो वहाँ पर मुझे 1 घंटा लग ही जाएगा आराम से पहुँचने के लिए, मतलब 3:30 या 4 तो बज जाएंगे। और अगर मुझे 1.5 घंटा भी चेक इन के लिए लगा, मतलब 5:30 बज जाएंगे, तो मैं वहाँ पर 1 घंटा पहले बैठी रहूँगी। हाँ, दिस इज़ गुड, क्योंकि जो हमारा ये है बोर्डिंग पासेस पे लिखा हुआ है क्लियर शब्दों में कि आपको 45 मिनट्स पहले वहाँ पर रहना है, इसलिए मैं इतना जल्दी जा रही हूँ अपनी नींद को त्याग करके। पता है मैं रात को आई गैस 12 बजे सोई और अभी 1:30 बज रहे हैं, 1:30 बजे में फिर से उठ चुका हूँ। तो चलो फिर अभी फटाफट से तैयार होते हैं। और हम हो चुके हैं तैयार, मैं फटाफट से तैयार हुई हूँ और हमारी कैब जो है वो आ चुकी है करेक्ट 2:30 बजे नीचे। मम्मी को भी उठाया नहीं है, पता है मैं बस अपने रूम में ऐसे ही तैयार हो गई। पहले मम्मी को उठाते हैं और फिर निकलते हैं। और ये रही हमारी कैब। हम मुंबई एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, बस अब कोई सेलिब्रिटी विलिब्रिटी मिल जाए तो मजा आ जाए। एनीवे अभी हम बस पहुंच ही गए, तो अपना सामान लेते हैं और निकलते हैं। सफर कैसा है? तो हम लोगों ने सारी जो चीज़ें है ना हमारी वो डीजी यात्रा से की थी, उसके वजह से चीज़ें इतनी ज़्यादा सीमलेस हो गई ना, मतलब बहुत ही जल्दी हो गया, सेकेंड्स में हो गया और पता भी नहीं चला। अभी इसके आगे हमें चेक इन करने के लिए जाना है, तो वहाँ चलते हैं वरना लेट हो जाएंगे। तो हमारा जो चेक इन और सिक्योरिटी चेक है वो हो चुका है, लेकिन पता है सिक्योरिटी चेक में क्या हुआ? मैंने ना एक ये रखा था, छोटा सा बक्सा था नेल कटर का, तो मैं यूजुअली वो लेकर जाती हूँ, अगर गलती से मेरे नकली नाखून कहीं टूट गए या कुछ हो गया तो हमें नेल कटर चाहिए होता है। तो वो नेल कटर के बक्से में ना फाइलर था, नेल कटर था और सीजर्स थी, छोटी सी सीजर थी, लाइक बहुत ही ज़्यादा बड़ी नहीं थी वो, एकदम इतनी सी सीजर थी। तो वो बैग फंस गया, तो उन्होंने मुझे, मतलब ऑफिसर ने कहा कि आप सीजर निकाल लो अपने बैग में से। तो आई वॉज लाइक यार मैंने सीजर तो लाई ही नहीं है। और जब फिर मैंने खोला बैग, फिर मुझे याद आया कि यार शिट, वो इतनों से बक्से में मैंने सीजर्स रखी थी, तो उन्होंने वो सीजर निकाली और उन्होंने वो डस्टबिन में फेंक दी। वैसे तो मुझे दुख नहीं हुआ क्योंकि वो सीजर कोई काम का नहीं था, लेकिन अब से मैं याद रखूंगी कि मतलब जो शार्प ऑब्जेक्ट्स रहते हैं वो चेक इन वाले लगेज में आए, हमारे साथ केबिन में ना जाए, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। मुझे लगा मे भी शायद छोटी सी चीज़ है तो इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता होगा, लेकिन मायने रखती है। एंड ऑल्सो मैंने वो इसलिए भी रखी थी बैग में बिकॉज मुझे ऐसा लगा था वो हैंडी रहना चाहिए, अगर कुछ हो गया तो मैं तुरंत कर सकती हूँ। लेकिन ठीक है, अभी फिर अगली बार से मैं याद रखूँगी। फिलहाल हम बैठे हैं और हमारी फ़्लाइट अभी 1 घंटे में आ जाएगी, करेक्ट टाइम है फ्लाइट का, होपफुली लेट ना हो। एंड मे बी शायद हमें सनराइज़ देखने का मौका मिलेगा, आई डोंट नो, उसी तरफ जा रहा है तो शायद सनराइज़ देखने का भी मौका मिल जाए, वैसे अभी तक के तो सनराइज़ हुआ नहीं है। खैर छोड़ो, अभी आए हैं तो एक कप चाय पी लेते हैं। चलो फिर पोर्ट ब्लेयर की बोर्डिंग अभी स्टार्ट हो चुकी है और हम जाते हैं, बोर्ड करते हैं अपना प्लेन। लेट्स सी क्या एक्सपीरियंस होता है। मुझे बड़ा एंग्जाइटी हो रही है, लेकिन ठीक है, मैं एक्साइटेड भी बहुत ज़्यादा हूँ। और हमने हमारी फ्लाइट बोर्ड कर ली है। एंड पता है क्या, मैंने विंडो सीट बुक की थी क्योंकि मुझे फर्स्ट एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा ही खतरनाक और थ्रिलिंग करना था। देखते हैं टेक ऑफ के वक्त क्या हालत होती है मेरी, आई डोंट नो। एक्साइटेड बहुत ज़्यादा, पता है मेरे पेट में गुदगुदी हो रही है, मतलब बटरफ्लाइज आ रही है। हाय
तभी मेरे मील्स भी बुक कर दिए थे. तो मील में आया है पनीर टिक्का सैंडविच और ये मिक्स फ्रूट जूस. लेट्स ईट, देखते हैं कि ये पनीर टिक्का सैंडविच कैसा है. इतना कुछ खास नहीं है लेकिन ठीक है. और हम बस अभी पहुँचने ही वाले हैं, सिर्फ आई गेस 10 to 15 minutes और लैंड हो जाएंगे. टाइम से पहले पहुंच रहे हैं हम, 11 बजे पहुंचने वाले थे लेकिन आई गेस 10:30 बजे तक ही पहुंच जाएंगे. एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा लगा था, फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठने का. मुझे ऐसा लगा था कि यार कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगेगा या टर्बुलेंस होगा. टर्बुलेंस कुछ भी नहीं था. अब आई डोंट नो, हम नीचे उतरेंगे तो मे भी शायद हो सकता है, लेकिन अभी तक के तो कुछ भी नहीं था. एकदम सीमलेस जर्नी हुई अभी तक. गहरी यारी हो गई, जो फर्ज से भरा था बस था वो भी खाली हो गया. बुरा है जमाना, तू चल टकर न कर अगर मगर. कैसा है ये सफर. चलो सर हम पहुंच गए हैं. सीढ़ियां लगने की है तो भगदड़ मच चुकी है यहाँ पर. तो अब हमारा जो लगेज है वो आने वाला है बेल्ट नंबर 2 पे. यहाँ पर अब इंतजार करते हैं अपने लगेज का. तो ये रही हमारी बैग. अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट से बाहर और हम आ चुके हैं अंडमान में.